मल्हार सरकार ने थपथपाई खंडेराव की पीठ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पहली बार खंडेराव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली और इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा केस सामने आ गया, ये हमने पहले भी बात की है, और खंडेराव ने कैसे उसको हैंडल किया है वो भी हमने बात की है। यहाँ पे बात हो रही है मल्हार सरकार की, जिनकी तरफ खंडेराव बड़ी उम्मीद की नजरों से देख रहे थे कि बाबा साहिब मुझे क्या कहेंगे, क्योंकि मैंने तो फैसला किया नहीं है। मगर क्या हुआ ये आपको पता है, चलिए बात करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो खंडेराव खड़े हैं दरबार में, बाबा साहिब के आते ही वो खुश हो गए, मगर एक चिंता की लकीर उनके माथे पे थी कि अब पता नहीं क्या होगा, बाबा साहिब ने जो फैसला लिया है उसका अंजाम क्या होगा। तो जो बाबा साहिब महाराव होलकर हैं, उन्होंने पहले तो खंडेराव को बताया कि राजा का धर्म क्या होता है। वैसे तो पहले भी समझा के गए थे, दूरदृष्टि और वो सब चीजें उन्होंने बताई थी, मगर अब साक्षात दरबार में बैठे हैं और दरबार का प्रेशर क्या होता है उसके थ्रू उन्होंने बताया राजा का धर्म क्या होता है। और फिर ये भी बताया कि राजा को कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है, राजा को सिर्फ आज्ञा दे सकता है तो ईश्वर दे सकता है। ये खंडेराव को भी बताया और पूरे दरबार को भी बताया। अब खंडेराव देख रहे हैं उनको, अपने बाबा साहेब को सुन रहे हैं, उन्होंने अहिल्या की तारीफ की और फिर खंडेराव की तारीफ की, जो मैं वेट कर रही थी कि ये होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रेशर में जो पहली बार राजा की गद्दी पे बैठे हैं उसको हैंडल करना भी एक तारीफ की बात है। मैं सच्ची में वेट कर रही थी कि मल्हार सरकार खंडेराव को क्या कहते हैं। और उन्होंने कहा कि पहली बार तुम गद्दी पे बैठे हो और इतना पेचीदा मामला सामने आ गया, और तुम्हारी जो पेशेंस है, जो दूरदृष्टि है, उसकी मैं दाद देता हूं कि तुमने जो भी दरबार में अभी तक निर्णय लिए वो काबिले तारीफ है। तो यही तो चाहिए होता है, यही तो एप्रिसिएशन चाहिए होती है अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए। क्योंकि खंडेराव ने, मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा था, जिस तरह से उन्होंने एकदम से फैसला नहीं सुना दिया कि विधवा विवाह नहीं होगा, समाज के डर से या धर्म उनके डर से, उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने की बात की, ये सब चीजें उनकी जो है एप्रिसिएशन में आती हैं। और यही चीज मल्हार सरकार का कहना था कि आपने खंडेराव को, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आपने रोल निभाया है राजा का, जो इस गद्दी पे बैठने के लायक हुआ, यही ऐसा कुछ कहा उन्होंने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट मुझे अच्छा लगा, क्योंकि खंडेराव इंसानियत को हमेशा प्रेफर करते हैं। बट होता क्या है ना कि ये जो गद्दी है, राज गद्दी है, और पहली बार बैठना, बच्चे ही तो हैं आखिरकार, क्योंकि इतने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पे आ जाना और फिर इतना आचार्य जी का चिल्लाना और वो सब प्रेशर, तो उसमें उनसे गलत फैसला हो सकता था। मगर जैसे कि अहिल्या ने कहा, चमत्कार होगा, चमत्कार हुआ, और मालवा की गद्दी से गलत फैसला नहीं गया। तो खंडेराव की तारीफ भी बनती है दोस्तों, मल्हार सरकार की भी बनती है और अहिल्या देवी की भी बनती है। तो मेरा यही कहना है इस वीडियो में, जो एप्रिसिएशन मिली है उसके लिए बहुत बहुत खुशी है। आप भी बताइए आपको कितनी खुशी हुई है खंडेराव के एप्रिसिएशन पे, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.